ग्वालियर के टेकनपुर के विभा यादव ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जॉब का विज्ञापन देखा था। इसके बाद उसने संपर्क किया तो उसे ऑनलाइन जॉब के रूप में कुछ महीनों तक उसे काम भी मिला, लेकिन उससे आगे काम जारी रखने के लिए रुपयों की डिमांड होने लगी और युवती ने 1,85,000 रुपए भी भेज दिए थे। वह पीड़िता का कहना है कि उससे 4 लाख और डिमांड होने लगे तो उसे शक लगा और जब उसने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसकी आईडी बंद कर दी गई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। साइबर क्राइम एजेंसी मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मैंने शिकायत करी है कि मेरे से जॉब के फ्रॉड में ले लिया था उन्होंने, ट्रांजैक्शन करवा लिया 4-5, पहले बोला कि इतना डालिए फिर उसके बाद हम आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद उन लोगों ने ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड ना करा के फिर बोला कि और ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ और ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद बोलते हैं कि आप और ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट ये जो है आपने दिया है वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो फिर मैंने और ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद बोलते हैं आपको 4 लाख और देना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे पास है नहीं, जो भी सैलरी आई थी वो भी मैंने सारी डाल दी है। तो फिर उसके बाद बोलते आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं केस के लिए अपने थाने में भी कितना रुपये ट्रांजेक्शन कराना एक। हाँ, ये विभा कुमारी यादव हैं, बीएसएफ टेकनपुर की छात्रा हैं। इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, इसके द्वारा इनको कुछ लुभाव ने बातें करके या पार्ट टाइम जॉब दिलाने का वादा करके कुछ ट्रांजेक्शन अपनी आईडी पे कराया गया है। ये साइबर क्राइम है और साइबर क्राइम में उसकी जांच होगी, कौन सी आईडी से कहां पर कैसे कृत्य किया गया है, ये सब फिर जांच के बाद पता चलेगा।